काम की शुरुआत करो, परिणाम से मत डरो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रो आंटी। आज आपके राशिफल के साथ साथ बताएंगे आपको छोटे छोटे वास्तु टिप, जिससे आप अपने जीवन के अंदर अपने मानसिक तनावों से दूर रह सकते हैं। वास्तु हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, कैसे, तो चलिए इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं। शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन हो सकता है आप मुझसे बात करना चाहते हो, आपके मन में हो कोई दुविधा, तो कीजिए मुझे कॉल। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आय के नए स्रोत खुलेंगे, माध्यम खुलेंगे, कोई रास्ता दिखाई देगा, कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किस्मत आज आपके साथ है। अपना कमरा जरूर साफ रखें, क्योंकि कहते हैं जिस जगह, जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस जगह पर, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, घर हो, वो अगर साफ हो तो सकारात्मक सोच आती है, अच्छी सोच आती है, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मेष राशि वालों, आज कमरे की सफाई करना ना भूलें। सफर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की। क्या कहते हैं आपके सितारे। आधिकारिक वर्ग से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में समय देना होगा, तुलसी पर जल अर्पण जरूर करें। समय आपके फेवर में है, और भी ज्यादा फेवर में हो सकता है अगर आज आप विष्णु चालीसा का पाठ करें। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं, जो है मिथुन राशि। क्या कहते हैं आपके सितारे। व्यापार में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, दान करना है, और वो भी वस्त्र जरूरतमंदों को। सर्दी का समय है, कंबल का दान करें तो बेहद अच्छा रहेगा। माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले, अगर माँ दूर है तो आज माँ को कॉल जरूर करें। आज अपने घर में कपूर लैंप जरूर जलाएं, ताकि आपके घर में सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा मिले आपको। आज हम आपको इस कार्यक्रम में एस्ट्रो आंटी में बता रहे हैं वास्तु से जुड़े कुछ खास अचूक उपाय। पहला, दिन में कम से कम एक बार चांदी के गिलास के अंदर पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध कम होता है, क्रोध पर नियंत्रण होता है और जीवन खूबसूरत हो जाता है। आपके हाथ में सब कुछ है, अगर आप करना चाहें, गुस्सा, लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ वो बढ़ती चली जाती है। इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूँ आपके साथ आपकी एस्ट्रो आंटी वायरा की। शिवानी जुड़ी है हमारे साथ। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। मैम मेरी है 4/10 जी 1994। और टाइम? टाइम है 7:30 AM। सवाल? मैम मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या करती हो? मैम मैं BSc कर रही हूँ बायो से। देखो आपकी कुंडली के बारे में बताऊँ, सबसे पहले समझ लीजिए कि कन्या राशि बनती है उत्तरा फागुनी नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुई है। आप राहु की महादशा, गुरु की अंतरदशा और मेष लगन की आपकी पत्रिका है। केतु आपका लगन में ही बैठा हुआ है, सबके सब ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। आपका भविष्य अच्छा है। नौकरी के बारे में जो आप सोच रही हैं, सरकारी नौकरी, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी नौकरी आपके भाग्य के अंदर है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर आप थक जाएंगी तब आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी। नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरकारी की जगह प्राइवेट जॉब पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित कीजिए। मीना जी जुड़ी हैं, हीना जी जुड़ी हैं, क्षमा चाहूंगी। हीना जी स्वागत है। हीना मेरा बच्चा जी, मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है। बताओ मेरा बाबू। 21 सितंबर। पहले आप फोन ठीक से पकड़िए, मैं सुन नहीं पा रही आपको। 21 सितंबर 1995 जी। और 1:10 दिन को। सवाल? मैम मेरे पापा ने मेरा रिश्ता किया है और उन्होंने हाँ बोल दिया है। मैम मेरे पापा हाँ बोलने से पहले पूछना चाहते हैं कि ठीक रहेगा नहीं, वहाँ पे होगा या नहीं और कब तक। देखो बच्चा, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं किसी से आपका रिश्ता जुड़ा है वो होगा या नहीं होगा, सही रहेगा, ये मैं उस बच्चे की कुंडली देखे बिना नहीं बता सकती। फिलहाल आपकी कुंडली की बात करते हैं। आपकी धनु लगन की पत्रिका और धनु ही राशि बनती है, सूर्य की महादशा और केतु की अंतरदशा चल रही है। ऐसे में आपके शादी के पूरे योग बने हुए हैं, क्योंकि आपका सप्तम भाव एक्टिव है। हाँ, शादी आपकी हो सकती है, पर इस लड़के से शादी में आ सकती है थोड़ी सी परेशानी। अवनीश जी स्वागत है। जी जय माता दी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1987। 26/10/1987 जी। और टाइम? मुझे ये पूछना है जॉब कब लगेगी बाबू, टाइम तो बता दो।
रात के 10:30। सवाल, जॉब कब लगेगी? जॉब कब लगेगी इसकी इनको चिंता है और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें दी है। मिथुन लगन की आपकी पत्रिका बनती है, राशि की बात की, वृश्चिक राशि जिसमें से शनि गोचर कर रहा है। शनि आपको नौकरी से कर रहा है दूर, वरना कुंडली में तो बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। शनि की पूजा कीजिए, शनिवार के व्रत रखना शुरू कीजिए। 2-3 शनिवार व्रत रखेंगे उसी में जॉब मिल जाएगी, लेकिन व्रत रखना कंटिन्यू रखिएगा। मीना जी स्वागत है। नमस्ते मैडम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1976। एक मिनट रुको, 10th July 1976। टाइम 3:53 AM। सवाल, मैडम मुझे ऐसा कोई व्रत या जब बताइए जिससे मतलब मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उनकी लाइफ में वो लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे और लाइफ में बहुत तरक्की करें, तथा मुझे ये भी बताएं कि मेरे इष्ट कौन है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके ईस्ट सूर्य भगवान है। सूर्य की पूजा, सूर्य उपासना, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम आपके लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद गणेश की पूजा करने से आपका परिवार फलेगा फूलेगा। लेकिन ना मैं बहुत प्रैक्टिकल ज्योतिष हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि आज तुम खाना खाओ और आपके बेटा बेटी और हस्बैंड का पेट भर जाए? नहीं हो सकता ना। आप पूजा करोगे उसका फल कर्म आपके बच्चों और पति को जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें भी करना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चों को भक्ति के अंदर लगाइए, मंदिर ले जाइए, कहानियां सुनाइए और गणेश चालीसा पूरे परिवार को पढ़ने के लिए बोलिए। आपका जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय फिलहाल चल रहा है। संजय जी। हाँ हेलो जी। संजय जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोंडा से। गोंडा। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे बहुत परेशान है एक साल से। संजय नाम के शख्स कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस भगवान ने भर भर कर दिया होता है। आपको पता है ना, महाभारत में भी एक संजय थे जो बैठे बैठे सारा महाभारत का मैदान देख लेते थे। तो अपने नाम को ही साकार कीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप सवाल पूछिए संजय जी। सवाल क्या है? काम नहीं हो रहा, रुक जा रहा है। देखिए कॉन्फिडेंस ज्यादा है, एक तो अपनी बोली के अंदर मधुरता लेकर आइए, मीठापन लेकर आइए, ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो ऑरा है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो, खींचे और आपकी बात सुने। और आपके अंदर ना जल्दी बहुत है, पेशेंस नहीं है। मैं प्रश्न कुंडली से आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हर चीज समय पर ही होती है। रात एक लंबाई में होती है, एक समय होता है, उसके बाद ही दिन आता है, दिन के बाद ही रात आता है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी। तो हर चीज का एक समय होता है, समय का इंतजार कीजिए। आने वाला 2016 आपके लिए बेहतर है। सोनिया स्वागत है मेरा बच्चा। जय माता दी। माँ जय माता दी, खुश रहो, बताओ। माँ मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड है उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मैम डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं पता है, बट उनका नाम अंकुर है। अंकुर के बारे में क्या जानना चाहती हो? मैम मैं जानना चाहती हूँ उनका भविष्य कैसा होगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, माँ उनको खोना नहीं चाहती हूँ। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनकी और हमारे थोड़ा कास्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, कैसा भविष्य रहेगा और वो क्या करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे या कहीं जॉब करेंगे? अभी कुछ नहीं कर रहे। मैम अभी तो कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, अभी बस अभी एजुकेशन पूरी हुई है उनकी। बेटा आपको पता है प्यार से पेट नहीं भरता, आपने एक ऐसे लड़के को चुना है जो फिलहाल अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं है। तो सबसे पहले प्यार मोहब्बत को साइड रख दीजिए, क्योंकि शादी के बाद प्यार की जिंदगी एक साल है, उसके बाद कोई प्यार किसी को नजर नहीं आता। रोटी और दाल का जो है ना दाम पता लग जाता है कि अच्छा दाल महंगी हो गई है, ये सब शादीशुदा लोगों को ही पहले पता लगता है। तो प्यार अगर आप उनसे करती हैं तो उन्हें मोटिवेट कीजिए लाइफ में कुछ बनने के लिए। और देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर तुम्हारी अगर प्रश्न कुंडली से तुम्हारी बात का जवाब दूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में लव मैरिज दिखती नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो राधा कृष्ण की पूजा करोगे तो तुम्हारी लव मैरिज हो सकती है। कर्क राशि, सफर पर वापस आते हैं। कर्क राशि की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद ज्यादा जरूरी है। मन प्रसन्न रहेगा आज आपका, बच्चों को लेके सफलता मिलेगी आपको। आज गुड़ का दान मंदिर में जरूर करें। मैं तो आपसे कहूंगी गुड़ खा भी लीजिए, सर्दी में गुड़ बेहद अच्छा होता है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि गुड़ खाने से आपका रक्त बढ़ता है, याद रखिए। और गर्मी भी आती है शरीर के अंदर, तो बहुत ज्यादा जरूरी है गुड़ खाना। गुड़ भी असली गुड़, गाँव का गुड़ जरूर खाएं आप। सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि। खर्चा बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा, परिवार में मन मुटाव हो सकता है। आज बच्चों को मिठाई जरूर बांटे आप, बच्चे मन के सच्चे सारे, जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो आपको हमको सबको लगते प्यारे। सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। मानसिक शांति मिलती दिख रही है, कार्य पूरे होते दिख रहे हैं, किसी की मदद आज आपको करनी पड़ सकती है। बादाम किसी कन्या को भेंट स्वरूप दे और कन्याओं के पांव छुए। याद रखिए स्त्री शक्ति वर्ग जो है वो हमेशा शक्ति ही होती है, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या माँ के रूप में हो। जो करते हैं नारी का सम्मान वही बसते हैं श्री भगवान, तो औरतों का मान सम्मान हमेशा करें आप। इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य टैरो कार्ड रीडर वाई राखी।
अगला उपाय ज्योतिष से जुड़ा हुआ नहीं वास्तु से जुड़ा हुआ। रात में झूठे बर्तन घर में कभी नहीं रखने चाहिए। महिलाओं को अपने आसपास हमेशा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा घर हमेशा कर्जे से दबा हुआ रहता है। शायद यही कारण है हमारी दादी नानी और मेरी मम्मा तक सब रात को बर्तन घर में धोकर सोते थे और ये बोला जाता था चाहे एक गिलास भी क्यों ना हो रात में घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि वो झूठे बर्तन रात भर नकारात्मक ऊर्जा देते रहते हैं। महावीर जुड़े हैं हमारे साथ। महावीर जी स्वागत है। हाँ जय माता जी। बेटा जी जय माता जी। मैं लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्ची की डेट ऑफ बर्थ 26/3/92। 26/3 इंग्लिश में बोलिए। 1992, क्योंकि कई लोगों की लैंग्वेज में मुझे हिंदी वाली गिनती समझ में नहीं आती, क्षमा चाहूंगी इसके लिए। और टाइम सुबह 9:40। 9:40 सवाल क्या है? ये इसकी जॉब की और शादी के बारे में पूछना है। गुड़िया का नाम बता दो। अंतिमा। वृश्चिक लगन किस गुड़िया की पत्रिका बनती है? धनु। राशि इसकी बनती है मूलों में पैदा हुई है। क्या आपने इसकी पूजा कराई थी मूलों की? मैडम इतना ध्यान नहीं है, अभी तो 22-23 साल। इसकी मम्मी से पूछेगा क्योंकि मूलों में ये पैदा हुई थी, अगर अभी तक इसकी मूलों की पूजा नहीं कराई है तो विवाह में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इस वक्त इसका समय अच्छा नहीं है कि सूर्य और शनि की युक्ति चल रही है। सूर्य और शनि की युक्ति चलते तो एक ना मानसिक परेशानी, एक शारीरिक कष्ट इस बच्चे को इस वक्त रह सकता है। भविष्य अच्छा है, शादी करने के लिए पहले मूलों की पूजा जरूर करवा लें। अजय जी स्वागत है। हेलो। जय माता दी मैम। जय माता दी मैम। मुझे अपनी मौसी जी के बारे में पूछना है, वो 3 साल से बीमार हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। कोई बात नहीं, नाम बताओ। रजनीश। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, काफी बीमार है। महामृत्युंजय का जाप करवाइए, 1.25 लाख का जाप होगा। ब्रह्मचारी ब्राह्मण करेंगे, 5 पंडित बैठेंगे। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इस पूजा में खर्चा आता है, आप सोचे खर्चा ना हो तो मुश्किल है। और वैसे भी ना ये विडंबना है हमारे देश की। डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर आपको कह दे कि बस इनका कुछ ही समय रह गया, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको कितना भी पैसा लग जाए आप इन्हें बचा लीजिए। लेकिन वही बात अगर आपको पंडित कहे कि राहु केतु खराब चल रहा है, इनकी पूजा करा लीजिए, और आपसे पैसे मांगे तो आपको लगता है कि लूट रहा है। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। वैसे आप कोशिश कीजिए कि इनकी पूजा जरूर कराएं। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। कर रहे होंगे आप भी अपनी राशि का इंतजार, तो पुरानी बातों को याद बिल्कुल भी ना करें। आज जीवन भूले बिसरे गीतों में रहेगा, नई शुरुआत करनी होगी। जो बीत गई सो बात गई। माता के मंदिर जरूर जाएं, आज बाल ना कटवाएं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपने किए हुए वादों को पूरा करना होगा, आज आप वादा प्रस्ती नहीं कर सकते। जीवन साथी को समय दे, बच्चों के स्वास्थ्य का रखना होगा खासा ध्यान। कबाड़ घर से बाहर निकालें, अगर पत्नी को प्रॉमिस कर आए ना सुबह सुबह आप, कि आज आप उनके लिए साड़ी लेके जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, नहीं किया तो आज प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं धनुराशि की। कार्यों में बाधाएं दूर होंगी, उधार वापसी मिल सकता है। और क्या चाहिए जीवन में, ऐसा कभी हो सकता है किसी को आप उधार पैसे दे दें और वो वापस कर दे, तो किस्मत वाले हैं दोस्त आज आप। महिलाओं से मदद मिल सकती है, शिव चालीसा का पाठ आप जरूर करें। चलिए उपाय की बात करते हैं। हम आज आपको बता रहे हैं वास्तु से जुड़े कुछ खास उपाय, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। घर में अगर कोई रोगी है तो एक कटोरी में केसर घोलकर उसके कमरे में रख दें। घोलना किसमें, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा केसर लेकर, इससे जो व्यक्ति है जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए पहले ये बोलना बंद कीजिए बीमार हो। इस वक्त प्यारी प्यारी सी सर्दी है, आप शख्स को जो बीमार है तो धूप में भी जरूर है। संध्या जी स्वागत है। संध्या मेरा बच्चा। हाँ जय माता दी। जय माता दी। मैडम मुझे आर्थिक परेशानी बहुत है, कर्जे में भी डूब गई हूँ मैं, और मिस्टर भी नहीं है, बेटे को भी काम नहीं मिल रहा, क्या करेंगे मैम? मेरे को बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, सही समझे कि इस वक्त दुख की घड़ी में मैं और मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। जब पति नहीं होता तो आपको जबरदस्त और डबल शक्ति से काम करना होता है, क्योंकि आप अपने बच्चे के पिता भी होते हैं और माता भी होते हैं। आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, दुर्गा कवच पढ़िए और माँ से कामना कीजिए कि आपके बच्चे को जल्द से जल्द नौकरी मिले। और हर माँ से ये कहना चाहूंगी, जो माएं सुबह उठकर अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरती हैं, प्यार करती हैं, उन्हें चूमती हैं और दिल से आशीर्वाद देती हैं, ऐसे बच्चे मुड़कर कभी नहीं देखते। और बच्चे जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे भी कहूंगी हर रोज माता पिता के पांव जरूर छूए। नीलम जी स्वागत है। नमस्कार मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उनका नाम बताओ। उनका नाम मुकेश है। डेट ऑफ बर्थ है? हाँ 18 फरवरी 1992। जी 18 फरवरी 1992। जी मेरा बच्चा टाइम? टाइम 8:05 के बीच में। कौन सा 8:05? सुबह। सवाल मैम, हमारी शादी 1 महीने की है, अभी तक कोई अच्छी सी जॉब नहीं लग पाई है, इनकी जॉब लगेगी अच्छी या नहीं?
इनके लिए गुरुवार के बृहस्पतिवार के केले के पेड़ के व्रत रखना शुरू कर दो और उसकी किताब को पढ़ो, पंडित जी जिससे जाकर सीखो कि वो कैसे रखे जाते हैं व्रत। उसके बाद देखो आपके पति का भाग्य कैसे चमकेगा। पत्नी होती अपने पति का भाग्य, अगर आप उनके लिए दुआ करें ना लगे ये मैं मानती हूँ। आकाश जुड़े हमारे साथ, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते मैडम। आपका नाम बताइए। नाम है जी, सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है मैडम। कोई बात नहीं, आप सवाल पूछिए। हाँ मैडम, वो कह रहे थे कि हम प्यार करते हैं तो सफलता मिलेगी। क्या करते हैं आप? आप किसी को प्यार करते हैं? जिनको प्यार करते हैं उनका नाम बताइए। नहीं मालूम मैडम। अरे मतलब आपने उन्हें प्रपोज भी नहीं किया? आपने उन्हें ये बात बताई कि आप उन्हें प्यार करते हैं? हाँ हाँ जी जी, आपने उन्हें ये बात बता दी और आपको नाम नहीं पता, शायद आप नाम शेयर नहीं करना चाह रहे। कोई बात नहीं, बिल्कुल अपने प्यार पे भरोसा रखिए। अगर आप दिल से प्यार करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आपको या किसी को भी जो सकती है कार्यक्रम देख रहा है कि प्यार में सफलता चाहिए तो उसको हमेशा राधा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, आपको सफलता मिले ऐसी कामना करती हूं। प्रतिभा स्वागत है जी। नमस्कार मैम। जय माता दी जी। मेरी जन्म डेट है 1 जुलाई 1980। 1 जुलाई 1980 जी। दिन मंगलवार, शाम की 4:25। सवाल जी मैम, मैं 35 ईयर की हूँ मगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, प्रयास बहुत करती हूँ और पति पत्नी में अनबन रहती है। जॉब मिलते ही अनबन खत्म हो जाएगी क्योंकि आप बिजी हो जाएंगे। अभी बाहर जब सफलता नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेशन घर में निकलती है। सरकारी जॉब के कहीं चांसेस नहीं है, प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करो। चलिए सफर को आगे बढ़ाएं और बात करें मकर राशि की। अगली राशि है मकर राशि। अचानक धन मिल सकता है आज आपको, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, समय आपके पक्ष में है। हनुमान चालीसा की पुस्तकें मंदिर में बांटें और हनुमान चालीसा पढ़े भी जरूर। पवन पुत्र हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और आज आपकी जो भी कामना हो वो बोल ही दीजिए। चलिए अगली राशि का रुख करेंगे जो है कुंभ राशि। घर को साफ करें, तबीयत बिगड़ सकती है। कोर्ट कचहरी में आज आपको कामयाबी मिल सकती है। शनि शुक्र का पाठ जरूर करें। शनि को जो साथ लेकर चलता है, न्यायाधीश है शनि, वो आपको उतना ही लाभ देते हैं। अगली राशि का रूप जो है मीन राशि। मीन राशि की बात की जाए तो वाद विवाद से बचें, पुलिस केस में फंस सकते हैं, शत्रु पक्ष से सावधान रहें। पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना अनिवार्य है आपके लिए, ऐसा करने से आपका कर्जा उतरेगा और आपके घर में सफलता महसूस होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूं ज्योतिष आचार्य, टैरो कार्ड रीडर वाई राखी। हम आज आपको बता रहे हैं वास्तु से जुड़े कुछ घर की ऐसी छोटी छोटी बातें जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। घर में कभी भी जाले लगने ना दें, ऐसा करने से मानसिक तनाव होता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है जेल यात्रा। जी हाँ, जिनके घर में भी जाले लगते हैं उन्हें जीवन में कभी ना कभी एक बार जेल जरूर जाना पड़ता है, इसलिए अगर आपके घर में जाले लग रहे हैं तो उन्हें तुरंत साफ करें। चलिए अब वक्त हो गया एस्ट्रो आंटी की एस्ट्रो टिप का। 3 गांठ काली हल्दी लेकर, या हल्दी लेकर ही, लेकिन काली हल्दी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, उसे सिंदूर में लपेटकर लाल कपड़े में रखकर आज अपने गले या तिजोरी में या घर की अलमारी में रखने से आपके घर में धन वर्षा होगी। याद रखिए काली हल्दी बड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन काली हल्दी लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और लक्ष्मी जी का रूप होती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का ध्यान रखिए और खूब सारा गाजर का जूस पीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।